बाबर आजम को कैप्टन बना के पाकिस्तान बहुत अच्छा काम नहीं की। एक और बहुत बुरी हार, T20 में आयरलैंड ने पीट दिया है। पहले T20 मैच में आयरलैंड ने 5 विकेट से मैच जीत लिया है। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करना शुरू किया, 182 रन बनाया। जहाँ पे बाबर आजम की बात किया जाए, T20 खेल रहा था कि टेस्ट खेल रहा था, तो ये तो मुझे नहीं समझ। 57 रन 43 बॉलों पे, 132 का एवरेज। वहीं सहीम अयूब ने 45 रन 29 बॉलों पे, बाकी रिजवान, फ़खर जमान 20 रन 18 बॉल, आजम खान 0, सदाब 0, इफ्तिकार ने 37 रन 15 बॉलों पे मारा और अच्छा करके यहाँ से 182 रन पर स्कोर पहुँचा दिया। और उसके बाद उनके तरफ से, आयरलैंड की तरफ से, बलरीन ने 77 रन बनाए 55 बॉलों पे और वहाँ से जीती मैच। उसके बाद हैरी टेक्टर ने 36 रन, डॉकरे ने 24 रन, और इसी के साथ 19.5 ओवर में 183 रन। और शाहीन अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी की, नो डाउट। बाकी इनके अब्बास अफरीदी, शादाब खान 4 में 54, नसीम शाह अच्छी गेंदबाजी किए, इमाद वसीम इज़ टू गुड 4 में 28। बट सवाल ये है कि पाकिस्तान की टीम ही T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, क्या ये जीत पाएगी? जिस तरह से खेल बाबर आजम के टिक टिक बैटिंग से, क्या ये सवालिया निशान नहीं उठता है? लोग कहते हैं कि बाबर आजम, बाबर, क्या सच में बाबर आजम T20 का प्लेयर है? मुझे तो नहीं लगता है। बाबर आजम, अगर मैं सच बताऊं, बाबर आजम को T20 कैप्टन नहीं होना चाहिए था। एज ए फैन, मतलब मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान बाहर हो, खेले पूरा लीग खेले, बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पूरा मैच खेल पाएगी। और बहुत बुरी हार, बहुत बुरी हार पाकिस्तान का। और मतलब कह सकते हो कि यार, पाकिस्तान फैंस के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक, पूरी पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, फुल्ली फ्लेजेड टीम थी पाकिस्तान की। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के बाबर आजम नहीं को आप देख सकते हो, पूरी टीम में देखोगे तो भैया आपके साई मायू रिजमान, बाबर, फ़खर, आजम, सदाब, इफ्तिकार, शाहीन अफरीदी, इमाम, नसीम, अब्बास अफरीदी सब थे, कोई ऐसा नहीं कह सकता। पर पाकिस्तान, उसी लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो टीम है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है, मतलब कुछ भी बचा नहीं है। आप बाबर आजम को ढोए जा रहे हो, एक बार कैप्टनसी से निकाले, दोबारा कैप्टन, किस बेसिस पे लाए उसको यार? मुझे नहीं लगता कि उसको दोबारा से लाना चाहिए था, और अगेन तुमने लाया और वही हाल दोबारा से। धिक्कार है भाई पाकिस्तानियों, धिक्कार है। तुम रिजवान को दे दिए होते, फ़खर जमान को दे दिए, किसी को कैप्टन दे दिए होते, देना चाहिए था, बट यार बाबर आजम को नहीं देना चाहिए था। और ऐसे बाबर आजम रहा तो भाई आप T20 वर्ल्ड कप या कुछ भी होगा आप नहीं कर पाओगे, आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। आप लकली कहो कि गॉड ग्लेस रहते हो, तुम पहुंच जाते हो गिरते पड़ते, बट अच्छी टीम नहीं हो। आयरलैंड जैसी टीम तुमको पीटी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।